हेलो फ्रेंड्स, कुक विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी शाही पनीर की सब्जी, आप देख सकते हैं। और इसी की रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और घर पे हम बहुत ही आसानी से बिल्कुल होटल जैसी या रेस्टोरेंट जैसी शाही पनीर बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएँ। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है और इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। गैस ऑन कर दिया है यहाँ हमने, और जब तक हमारा घी गर्म होता है तब तक हमें क्या करना है कि यहाँ हमने 200 ग्राम पनीर ले लिया है और उसे गर्म दूध में, यानी आप गुनगुने से थोड़ा गर्म दूध कर लीजिए और उसमें आप इसको डाल दीजिए। और इसे हम, जब तक हमारा ये ग्रेवी तैयार होगी, इसे हम इसी में भीगने देंगे। इससे क्या होगा, हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और खाने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ कुछ हमने खड़े मसाले ले लिए हैं, 1 तेज पत्ता ले लिया हमने, 2 हरी इलायची और 8 से 10 यहाँ काली मिर्च ले ली है, शाही जीरा ले लिया है यहाँ 1 छोटी चम्मच और 1 दालचीनी की स्टिक ले ली है, 4 लौंग ले लिए हैं और 1 बड़ी इलायची हमने यहाँ पर ले ली है। घी हमारा गर्म हो चुका है और जो हमने खड़े मसाले लिए थे वो इसमें हम डाल देंगे। और धीमी आंच पे इनको हल्का सा भून लेते हैं। खड़े मसालों में से अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छे से भून गए हैं ये। तो उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ लहसुन की कलियाँ ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से मोटा मोटा काट के ले लिया है हमने, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और 2 हरी मिर्ची हमने यहाँ मोटा मोटा काट के उसके ले लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको भी हल्का फ्राई कर लेते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ले ली है, इस तरह से लंबा और पतला काट लिया है उनको, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसे अच्छा ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और हल्के ब्राउन हो गए हैं, बस हमें इतना ही फ्राई करना है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 टमाटर मैंने बड़ी साइज़ के 2 टमाटर ऐसे मोटे मोटे काट लिए हैं और ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैंने 12 से 14 काजू ले लिए हैं, ये भी हम इसी में डाल देंगे और कुछ काजू के टुकड़े भी ले लिए हैं मैंने। अभी इन सभी को हम 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो यहाँ हमारी ग्रेवी की सारी सामग्री अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इस सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके मिक्सी में पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जो सामग्री थी हमारी ग्रेवी की, उसे बिल्कुल अच्छे से पीस के तैयार कर लिया है। बिल्कुल आपको स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका, और यदि थोड़ा भी दरदरा रहता तो आप इसे छान लीजिए, क्योंकि हमारी सब्जी में बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आएगा अगर पेस्ट हमारा अच्छा बनेगा तो। और इसे बिल्कुल ठंडा करके ही पीसिएगा, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ हम ले लेते हैं 2 चम्मच घी। तो यहाँ 2 बड़ी चम्मच मैंने घी ले लिया है और गैस ऑन कर देते हैं अब। तो यहाँ घी हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो यहाँ हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, 1/2 छोटी चम्मच, और उसके बाद हम डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। हल्का सा फ्राई होने देते हैं इसे। इसके बाद यहाँ हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे इसमें, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। हल्का सा फ्राई कर लेते हैं हम इसे। आपको ध्यान रखना है कि इस समय गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। बस 10 से 20 सेकंड ही आपको चलाना है मसालों को, ताकि हमारी सब्जी का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आए। बस मसाले भून चुके हैं अच्छे से और अभी हम इसमें जो हमने ग्रेवी तैयार की है वो डाल देंगे।
मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। मिक्स करके पकने देंगे हम इसे। यहाँ हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो चिपके नहीं, क्योंकि इसमें हमने काजू भी डाले हैं। और जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे पकाना है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं इसमें। अभी हमारी ग्रेवी पक रही है, इसी में हम आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और एक छोटी चम्मच यहाँ मैंने कसूरी मेथी ले ली है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे से। कसूरी मेथी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी में और एक बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। एक छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं अभी, क्योंकि हमने नमक पहले नहीं डाला था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं नमक। तो अभी हमारी सब्जी को पकते हुए यानी हमारी ग्रेवी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाया है हमने। और आप देख सकते हैं इसने घी रिलीज कर दिया है, किनारे छोड़ दिए हैं। तो हमारी ग्रेवी अब बिल्कुल पक चुकी है। तो अभी इस समय हमें क्या करना है कि ये जो दूध की मलाई होती है, यहाँ हमने 2 चम्मच मलाई ले ली है, वो हम इसमें डाल देंगे। और फिर से मिक्स करके हम इसे पका लेंगे अच्छे से। आप चाहें तो मार्केट की क्रीम जो मिलती है वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। तो हमारी ग्रेवी अभी अच्छे से पक चुकी है और ऑयल रिलीज हो चुका है इसमें। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने पनीर लिया था उसे हमने ऐसे काट के और तैयार कर लिया है, और ये पनीर अब हम इसमें डाल देते हैं ताकि जो हमारी ग्रेवी है ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। मिक्स करके और 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे इसी ग्रेवी में। अब हम लिड लगा के 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे लो फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अभी हम क्या करेंगे, ये जो दूध हमने लिया था पनीर जिसमें हमने भिगो के रखा था, वही जो बच गया है दूध वो हम इसमें डाल देंगे। इससे हमारी जो सब्जी बन रही है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन दूध डालने के बाद आपको इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, नहीं तो दूध हमारा फट सकता है। अभी हम इस शाही पनीर को 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे और कवर कर देते हैं, और इसी तरह से इसे हम 5 से 7 मिनट पकने देंगे। यहाँ हम आधी छोटी चम्मच इसमें चीनी डाल रहे हैं, क्योंकि शाही पनीर हल्की सी मीठी होती है। यदि आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो ना डालें। तो फ्रेंड्स, हमारा शाही पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। तो अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम किसी बाउल में ले लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी शाही पनीर बिल्कुल होटल जैसी, रेस्टोरेंट जैसी शाही पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। और आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, बहुत ही इजीली हम घर में इसे बना सकते हैं और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, और उससे कहीं बढ़िया टेस्ट आता है हमारी घर की सब्जी में। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ।